आज हम आपको बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी पर 35 घड़े का दान कैसे किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को बताने वाला एक पर्व है। यह व्रत ज्येष्ठ माह में आता है। ज्येष्ठ मास को गर्मी का महीना कहा जाता है। इस महीने तेज गर्मी पड़ती है और सूरज अपने पूरे प्रभाव में होता है, इसीलिए पशु पक्षी और इंसान भी झुलसने लगते हैं। इसीलिए इस निर्जला एकादशी के दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन ही नहीं बल्कि पूरे जेठ के महीने में लोगों को जल का दान करना चाहिए। इस दिन गर्मी में प्यास से परेशान लोगों की प्यास को शांत कराना चाहिए। इसके लिए जल से भरे कलश, पानी की बोतलों का दान करना चाहिए। जगह जगह प्याऊ लगवानी चाहिए तथा शरबत आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा जरूरतमंदों को भुने चने और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इस दिन जूते, छाता, पंखा, वस्त्र, अन्न आदि का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और आम का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी फल ठंडक प्रदान करने वाले हैं। इस दिन आप दही का दान भी कर सकते हैं। गर्मी के महीने में दही बहुत ही ज्यादा शीतलता प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के दिन 35 घड़े दाने की भी बहुत सालों से परंपरा चली आ रही है। अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन 35 घड़े जल का दान कैसे करें। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के दिन 35 जल से भरे घड़े भी दान किए जाते हैं। इस दिन इस दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जल के घड़े दान करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे जल का घड़ा कभी भी अकेला दान नहीं किया जाता है, उसके साथ कोई भी छोटा मिट्टी का कलश या पीतल, तांबे या स्टील का लोटा जरूर लें, तभी आपका यह दान पूर्ण माना जाता है। इस दान को करने के लिए आप 35 मिट्टी के नए घड़े शुद्ध जल से भरे हुए ले लें, उसके ऊपर लोटा या कलश चीनी से भरकर रखें और लोटा इतना बड़ा हो कि मटके के ऊपर आ जाए, उसके अंदर डूबे नहीं। फिर सभी लोटे के मुंह पर लाल कपड़ा या कोई लाल ब्लाउज पीस कलावे या मौली से बांध दें। फिर लोटे के ऊपर एक आम या खरबूजा रखें। उसके बाद सभी मटकों को एक साथ रखकर रोली के छींटे देकर 7 बार हाथ घुमाकर प्रणाम करें। फिर यह सभी घड़े 35 ब्राह्मणों के घर और मंदिरों में रखवा दें। इन घड़ों के साथ आप चाहें तो एक हाथ पंखा भी दान कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य है तो आप हाथ पंखे की जगह बिजली से चलने वाला पंखा भी दान में दे सकते हैं। इस तरह निर्जला एकादशी पर 35 जल के घड़ों का दान किया जाता है। यह दान बहुत ही पुण्यदायी और घर को धन धान्य से भरने वाला माना जाता है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। जय श्री राधे।